नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आई नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। बरेली में आज केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने जिले के मझौवा, कमौवा सहित अलग अलग ग्राम पंचायतों में पंचायत कर प्रदेश एवं केंद्र की योजना को जनता तक पहुँचाया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने जनता के सुझावों को भी सुना। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश का कोई भी व्यक्ति टीकाकरण से ना रह जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। पंचायत चुनाव पर कोर्ट के द्वारा लगाई रोक को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सोमवार तक पंचायत चुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। ये वास्तव में देश के अंदर कोरोना के प्रति सरकार का जो रवैया है और प्रधानमंत्री ने जिस रूप में इस बीमारी को लिया है, देश नहीं दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। और अब पूरे विश्व के अंदर सब लोग आदरणीय मोदी जी जिस प्रकार से कोरोना के मुकाबला करने के तरीके जो अपनाए हैं और सारा विश्व मान भी रहा है, उसी के तहत अब कोरोना का टीका पूरे देशवासी 50 साल से ऊपर उन सबके मुफ्त टीका लगेगा और 45 साल से लेकर 60 साल के बीच में वे लोग जिनके को शिकायतें बीमारी है उनके साथ में टीका लगाने का काम एक युद्ध स्तर पर हो रहा है और कोई भी इससे वंचित ना रहे, ये हम सबकी चिंता है। मैं जब प्रसन्नता है कि पार्टी ने भी इसको एक सक्रिय रूप से लिया है और पार्टी ने कोशिश की है कि इस काम को और मोटिवेट किया जाए और जहाँ कहीं भी कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर एक प्रोत्साहन दिया जाए। जैसे मैं आपके सामने हूँ, मैं भी जिला अस्पताल में 5 तारीख को ये टीका लगवा चुका हूँ और मैं सबको बता रहा हूँ कि इसके लाभ भी है और इससे कोई नुकसान नहीं है। अवेयरनेस ये है कि भाई जैसा प्रधानमंत्री जी की रुचि है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसलिए अगर प्रिवेंशन हम एक सही नहीं करेंगे तो पर अगर बीमारी हो जाती है तो हमको लाभ रहेगा और पूरा विश्व हमारे इस बातों को मानता है, पसंद कर रहा है कि हिंदुस्तान ने एक अच्छा तरीका, एक सही तरीका अपनाया। इसलिए पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस काम में लगे, प्रचार करे, लोगों से कहे कि भाई आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है, जान है तो जहान भी है, इस बात को लेकर के पूरे देश के अंदर प्रयास हो रहा है और हम लोग इस काम को कर रहे हैं। और अभी जैसा मेरे संज्ञान में आया है 18 तारीख को एक और विस्तृत पैमाने पर इस काम में हम लोग जुट रहे हैं। मैं जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार को, प्रदेश की सरकार को 4 वर्ष हो गए हैं, तो अब एक लोगों के बीच में जाकर ये बताने के लिए कि 4 वर्ष में हमने ये काम किए, ये एक सभी लोगों को इसकी जानकारी देकर उनके साथ बातचीत करके कि हम जो कह रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है और लोगों की उसमें क्या राय है, इसके लिए हर जनप्रतिनिधि और हर पार्टी का वर्कर सभी ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में सभी का जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। अब ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। सुप्रीम हाईकोर्ट लखनऊ ने इस मामले में अपनी कोई ऑब्जर्वेशन दिए हैं तो उसका निस्तारण मुझे लगता है सोमवार को। बरेली के ऐतिहासिक 161वीं रामलीला 23 से बरेली श्री रामलीला सभा बड़ी ब्रह्मापुरी की प्रसिद्ध रामलीला 23 मार्च से अपने 161वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। यह जानकारी सभा के पदाधिकारी अतुल कपूर, राधा कृष्ण प्रहलाद, इंद्रदेव त्रिवेदी, सुनील कुमार आदि ने एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि रामलीला में कोविड के नियमों का पालन करते हुए लीला का कार्यक्रम बड़ी बमनपुरी में होगा। श्री रामलीला 23 मार्च से शुरू होकर आगामी 7 अप्रैल तक चलेगी। होली वाले दिन राम बारात निकाली जाएगी। प्रेस वार्ता में सभा के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ये हिंदुस्तान की एक ही रामलीला जो मुझे जानकारी मिली है कि जो होली के टाइम पर होती है, रामलीला जितनी भी होती हैं वो लगभग दिवाली के टाइम पर आपने सब जगह सुनी होंगी, लेकिन जैसा मेरी जानकारी में है ये हिंदुस्तान में अकेली रामलीला है जो होली के तरफ चालू होती है और इसका इस बार 161वां वार्षिक उत्सव है और ये 23 तारीख से स्टार्ट हो रही है और 8 अप्रैल को इसका समापन होगा। और इस बार की रामलीला में हम आपके चैनल के माध्यम से सारे बरेली की जनता से एक अपील ये भी करना चाहते हैं, क्योंकि कोविड का यहाँ पर थोड़ा प्रकोप चल रहा है तो उसको देखते हुए रामलीला में अधिक से अधिक लोग आएँ, लेकिन सैनिटाइज़र और
मास्क दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करें। और क्या विशेषता रहेंगे? विशेषता ये है, जैसे जो प्रोग्राम हमारे लगातार चलते चले आ रहे हैं उसी में इस बार हमने, जैसा आपको पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी बताया था कि हम मंदिरों का जीर्णोद्वार वगैरह करेंगे, तो यहाँ पर एक अभी हमने शिव मंदिर का भी बहुत भव्य जीर्णोद्वार किया है, उसके आगे एक हनुमान जी की प्रतिमा, बहुत विशाल प्रतिमा हम लगा रहे हैं। ये सब रामलीला सभा हमारे कार्यक्रम कर रही है और आगे भी ऐसे भव्य कार्यक्रम हम करते रहेंगे। रामलीला कलाकार कहाँ गए, बाहर से आते हैं? हाँ, ये सब कलाकार जो हैं अयोध्या से आते हैं और इस बार भी अयोध्या से ही सारे कलाकार बुलवाए गए हैं। अधिवक्ता ने अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे एडवोकेट पीवी ध्यानी ने कहा, सचिव अमर भारती के देहांत को एक साल होने जा रहा है लेकिन अभी तक चुनाव नहीं कराया है। वहीं अधिवक्ताओं के लिए सहायता राशि लॉकडाउन में बार काउंसिल द्वारा दी गई थी लेकिन अभी तक अधिवक्ताओं को सहायता राशि भी नहीं दी गई है। अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं की गई, अनशन लगातार चलता रहेगा। वहीं बार उपाध्याय शेर सिंह एडवोकेट ने कहा, जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो यह आंदोलन अनिश्चित काल के लिए कर दिया जाएगा। सम्मानित अधिवक्ता साथियों, आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सभी जगह अधिवक्ताओं को आर्थिक धनराशि का वितरण हो चुका है लेकिन बरेली बार में अभी तक नहीं हुआ है। और इसी बात को लेकर हमारे अधिवक्ता साथी पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर मंडल बरेली 13 मार्च 2021, रेल संरक्षा आयुक्त पूर्वोत्तर परिमंडल मोहम्मद लतीफ खान ने मंडल रेल प्रबंधक इज्जत नगर आशुतोष पंत के साथ 13 मार्च 2021 को इज्जत नगर मंडल के पीलीभीत टनकपुर रेल खंड के विद्युतीकरण के पश्चात विशेष निरीक्षण ट्रेन द्वारा गहन निरीक्षण किया। इसके पश्चात श्री खान ने पीलीभीत टनकपुर तक गति परीक्षण भी किया। निरीक्षण स्पेशल टनकपुर से शाम 7:08 चलकर लगभग 62 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय कर पीलीभीत पहुंची। इस दौरान सीआरएस गाड़ी की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ाया गया। विद्युतीकरण का कार्य माह जून 2020 में प्रारंभ किया गया था और इसकी अनुमानित लागत ₹70 करोड़ है। निरीक्षण के दौरान प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर पूर्वोत्तर रेलवे एके शुक्ला, मुख्य विद्युत वितरण इंजीनियर रेल विद्युतीकरण परियोजना श्री एस के दुबे, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर TRD इज्जत नगर सत्येंद्र कुमार सिंह सहित रेल विद्युतीकरण लखनऊ एवं मंडल के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बरेली में आज केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने जिला अस्पताल पहुंचकर 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ष के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार, वरिष्ठ भाजपा नेता गुलशन आनंद टीका लगवाया। इस अवसर पर कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश का कोई भी व्यक्ति टीकाकरण से ना रह जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। पंचायत चुनाव पर कोर्ट के द्वारा लगाई रोक को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सोमवार तक पंचायत चुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। लगे प्रचार कर रहे लोगों से कहे, भाई आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है, जान है तो जहान भी है, इस बात को लेकर के पूरे देश के अंदर प्रयास हो रहा है और हम लोग इस काम को कर रहे हैं। अभी जैसा मेरे संज्ञान में आया 18 तारीख को एक और विस्तृत पैमाने पर इस काम में हम लोग रुक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार को, प्रदेश की सरकार को 4 वर्ष हो गए, तो अब एक लोगों के बीच में जाकर ये बताने के लिए कि 4 वर्ष में हमने ये काम किए, ये एक सभी लोगों को इसकी जानकारी देकर उनके साथ बातचीत करके कि हम जो कह रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है और लोगों के इसमें क्या राय है, इसके लिए हर जनप्रतिनिधि और हर पार्टी का वर्कर सभी ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में सभी जगह जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। सर, पंचायत चुनाव के आरक्षण पर रोक लगा दी गई है, अभी कोर्ट ने रोक लगा, कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। सुप्रीम हाईकोर्ट लखनऊ ने इस मामले में अपनी कोई ऑब्जर्वेशन दिए हैं तो उसका निस्तारण हो जाएगा, सोमवार को हो जाएगा। कोविड का टीकाकरण जरूरी है, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है, हर एक को टीका लगवाना चाहिए।
टीकाकरण से कोई नुकसान नहीं होता। सरकार हमारी वो टीका फ्री में दे रही है जो दूसरे देशों में 5,500 का मिल रहा है। ये हिंदुस्तान है, योगी मोदी है, जिन्हें मरीज के स्वास्थ्य की पूरी चिंता है और सस्ते से सस्ता टीका लगाया जा रहा है। हर लोग जो 60 साल से अधिक के हैं उनको टीकाकरण कराना चाहिए। जो 45 से 59 साल तक के हैं, अगर उन्हें कोई बीमारी जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, किडनी, लीवर की बीमारी है या कोई और कैंसर या जोड़ों के दर्द की बीमारी है तो उन्हें भी टीका लगवाना चाहिए। और मैं सभी से यही कहूँगा, टीकाकरण से कोई नुकसान नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। मैंने अपने खुद लगाया है, मेरे परिवार के सभी डॉक्टर सदस्यों ने अपने लगाया है और किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। मैं सभी अपने भाइयों बहनों से यही कहूँगा, टीकाकरण है ज़रूरी, लेकिन साथ में 2 गज की दूरी और मास्क भी है ज़रूरी। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बरेली की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर का आज दूसरा दिन था, जिसके अंतर्गत प्रथम सत्र का प्रारंभ राष्ट्रीय सेवा योजना लक्ष्य गीत गाकर किया गया। आज स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण एवं कोरोना जागरूकता पर रैली का शुभारंभ स्वदेश भूषण बालिका इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सुरेश यादव द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती अर्चना राजपूत के निर्देशन में संचालित किए जा रहे हैं। अभिग्रहित मलिन बस्ती अंबेडकर नगर में विशाल जागरूकता रैली निकाली गई तथा अधिकतर असहाय और छोटे बच्चों को, जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था, लगभग 320 मास्क तथा कपड़े के थैले वितरित करके लोगों को पॉलिथीन का प्रयोग न करने तथा कोरोना से बचने के लिए कपड़े के मास्क का प्रयोग अवश्य करने तथा पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देने हेतु प्रेरित किया। इसके पश्चात स्वदेश भूषण बालिका इंटर कॉलेज में वृक्षारोपण किया गया। बरेली से कई दरगाह के मुतावली लखनऊ पहुंचे, वहां सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारूकी को मुबारकबाद दी और फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। तीसरी बार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने पर खुशियां मनाई। शहाब खान ने कहा, चेयरमैन साहब की वजह से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से कोरोना काल में लॉकडाउन लगने पर पूरे उत्तर प्रदेश के हर शहर में गरीबों के लिए राशन का इंतजाम कराया। सभी वक्फ के जिम्मेदारों से कहा, हर जरूरतमंद लोगों को अनाज बंटवाया और जरूरतमंद लोगों की मदद भी करवाई। चेयरमैन साहब को बरेली से लखनऊ पहुंचकर मुबारकबाद देने वालों ने वाजिद खान, शहाब खान, डॉक्टर नफीस खान, शोएब अलवी मोहम्मद, यामीन आदि